नहीं खाई ठोकरे सफ़र में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे, घर नहीं टकराए गलत से तो सही को कैसे पहचानोगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो जो है वो देसी मुर्गी पालन से संबंधित रहने वाली है और आज हम पटना के संपत चक में हैं, आनंद जी के फार्म में। आनंद जी के बारे में मैं बता दूँ दोस्तों आप लोगों को कि अभी जस्ट इन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और कृषि को चुना है। ग्रेजुएशन के दौरान शायद लोग बड़े बड़े नौकरियों के बारे में सोचते हैं और कोई यूपीएससी और बीपीएससी करना चाहता है, लेकिन इन्होंने कृषि को चुना क्योंकि बचपन से जो है इनका लगाव कृषि के क्षेत्र में था और आज एक ये अच्छा काम कर रहे हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि देसी मुर्गी पालन में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, कौन सा नस्ल का जो है चयन करना किसानों के लिए लाभदायक हो सकता है, तमाम तरह की जानकारी इनसे लेंगे। दोस्तों अगर तकनीकी रूप से सक्षम हो के किसी भी चीज़ का पालन किया जाए तो ये एक मुनाफे का सौदा साबित हो सकता है। तो आइए देर न करते हुए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करेंगे और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे। सर हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी। आनंद जी थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिए। जी मेरा नाम आनंद कुमार झा है, मैं पटना का निवासी हूँ और मैं यहाँ पे अपना छेचक गांव के पास अपना फार्मिंग कर रहा हूँ। सर अभी किस नस्ल पे आप काम कर रहे हैं, कौन सा नस्ल है, कौन कौन सा नस्ल आपके पास है? देखिए अभी तो मेरा मेन फोकस देसी मुर्गी पालन पे है। देसी मुर्गी पालन में मैंने काफ़ी अच्छा इसमें रिजल्ट पाया है क्योंकि देखिए आजकल लोग ब्रॉयलर से हट करके वापस देसी मुर्गी पे आ रहे हैं। कहीं भी शादी फंक्शन पार्टी वगैरह कहीं भी आप जाइए तो वहाँ पे लोग मांस मछली तो खाना पसंद करते ही हैं, साथ साथ में उनका ये भी डिमांड अब आता है कि कौन सा मुर्गा है, अगर चिकन बन रहा है तो लोग इसलिए देसी पे ज़्यादा जोर देते हैं। तो मैंने इसलिए सोचा कि देसी अब थोड़ा इसका जनसंख्या भी घटता जा रहा था तो मैंने इस पर काम करना सोचा कि चलिए इस पर बढ़ाया जाए, इसको थोड़ा बढ़ावा दिया जाए। तो मैंने काफ़ी देखा है, काफ़ी अच्छा इस पर रिस्पॉन्स मिला है मुझे। आखिर कारण क्या रहा देसी मुर्गी को अपनाने का? देखिए देसी मुर्गी में मेंटेनेंस बहुत लो है, ठीक है, ब्रॉयलर के मुकाबले इसमें काफ़ी लो मेंटेनेंस में, और ये रिज़ल्ट बहुत अच्छा देती है। साथ साथ में इसके सेलिंग में भी दिक्कत नहीं है मुझे क्योंकि मार्केटिंग भी इसका अच्छा बना हुआ है, कम हो चुका है इसकी जनसंख्या जिसके कारण लोग इसको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और ज़्यादा पसंद करने के कारण इसका रेट अच्छा मिल जा रहा है मुझे। इसमें देखिए बहुत कम रोग देखा जाता है, रोग से थोड़ा बहुत है, जैसे कि मान लीजिए कुछ कैल्शियम वगैरह की कमी हो जाए तो वो सब आप इसके फीड में दे करके ठीक कर सकते हैं। साथ साथ में इसकी मार्केटिंग बहुत अच्छी हो गई है, मार्केटिंग के साथ साथ आपको अच्छा रेट मिल जाता है इसको, इसलिए हम लोग इस पर ज़्यादा काम करते हैं। हमको लगता है कि मेन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इसमें जो है बीमारी ना के बराबर होता है। जैसे ब्रॉयलर में बहुत तरह का मेडिसिन उसमें चलाना पड़ता है, एंटीबायोटिक ये वो तरह तरह की बीमारी रानीखेत वगैरह होता है, इसमें उससे जो है वो कम बीमारी इसमें या कह लें कि ना के बराबर होता है। जी बिल्कुल, इसमें बहुत ही लो मेंटेनेंस है एकदम, कहीं आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, चारे दाने में भी आपको इसका बहुत ज़्यादा देने का जरूरत नहीं है, सब कुछ खा लेती है ये। जी जी, आप होममेड फीड भी दे सकते हैं इसको, साथ में आप मार्केट से भी लेकर के दे सकते हैं, इसलिए खाने पीने का इसका दिक्कत नहीं है। साथ साथ में इसका मेंटेनेंस कम होने के कारण ये काफ़ी फ्रेंडली है, बिल्कुल, जिसके कारण ये कहीं भी रह लेती है और एडजस्ट कर लेती है खुद को। इसको फ्री रेंज में भी छोड़ दीजिए, अपना दाना वगैरह ऐसे ही चुन लेता है। जी बिल्कुल, इसको बहुत ज़्यादा हमको कैद करके रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसको मैं फ्री भी छोड़ देता हूँ तो ये वापस अपने घर में वापस आ जाती है, कहीं भागती नहीं है। अभी आनंद जी जैसे देख रहे हैं काफ़ी आपके पास तरह तरह का जो है वो देसी मुर्गियों में अलग अलग नस्ल है, कौन कौन सा है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए आप। देसी मुर्गी मेरे पास पूरा पूरा है, देसी मुर्गी में साथ साथ में मैंने एक और ब्रीड इसमें लगाया, वो है RIR का। RIR का देखिए इसमें है कि बहुत अच्छा ग्रोथ मिलता है मुझे, इसका साइज भी बहुत बड़ा हो जाता है, इससे कान 4 किलो 5 किलो तक ये चला जाता है। अभी मेरे पास जो है वो लगभग 3 किलो का है, कुछ कुछ 3.5 किलो भी हुआ है, तो ये सब काफ़ी अच्छा है, इसका ग्रोथ मिला है, रिस्पांस मिला है, इसका अंडा भी थोड़ा सा बड़ा है जी जी, अपने देसी अंडा के मुकाबले। इसमें असील भी देखने को मिल रहा है। जी असील भी है इसमें। जी इसमें मेरे पास असील भी है, असील जो है वो कि लड़ाकू मुर्गा है, वो लड़ना पसंद करता है थोड़ा सा क्योंकि, लेकिन ये हमेशा से ही असील बचपन से ही छोटा से जब डे 1 से था तो इन लोगों के साथ ही रहा, तो साथ में इन लोग का घुला मिला तो उतना लड़ाई नहीं कर रहा है अभी, लेकिन उसका
जैसे ही थोड़ा सा और वो बड़ा हो जाए तो उसको फिर हम लोग अलग करके उसको सेपरेट रखेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा हानिकारक हो जाता है, थोड़ा सा लड़ाकू है वो, इसके कारण मुर्गियों को नुकसान पहुंचाने का डर बना रहता है, मोर्टेलिटी भी हो जाती है इसके कारण। जी बिल्कुल, इसमें कभी कभी ये लोग थोड़ा सा कहीं भी अगर लाल देख लेते हैं तो उस पर अटैक करना ये पसंद करते हैं, तो इसके कारण थोड़ा बहुत आपको इसका बचाव करना पड़ता है। आनंद जी, जैसे हम बात करते हैं इसके, जैसे कि आप चूजा लाए तो शुरू में क्या इसको फीड वगैरह क्या करवाते हैं, मतलब मान लीजिए कि चूजा आया तो सबसे पहले आप क्या करते हैं इसको? देखिए, चूजा आया तो सबसे पहले इसका ब्रूडिंग हाउस में आपको इसका व्यवस्था करना पड़ेगा। ब्रूडिंग हाउस में रख करके इसको 15 दिन तक कम से कम आप इस पर ध्यान दीजिए। जब डे वन ओल्ड रहे चूजा? जी, फर्स्ट डे से आपको 15 दिन तक इसको ध्यान देना है। 15 दिन में ये जो भी इसका प्रॉब्लम होगा वो सब आपको दिख जाएगा। आपके पास अगर कोई अन्य ब्रीड भी है तो उस पर आप थोड़ा सा वैक्सीनेशन वगैरह भी कर सकते हैं। 3 दिन पे वैक्सीनेशन होता नहीं तो 7 दिन पे कर सकते हैं आप, 11 दिन पे कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग इस पर काम करके, अगर आपके पास वैक्सीनेशन है तो उसका कर दीजिए, जिससे एक मुर्गियों में आपकी मोर्टेलिटी कम आएगी। आनंद जी, जैसे कई बार देखा गया है कि ब्रूडिंग में ही अच्छा मोर्टेलिटी भी हो जाता है, अगर ठंड का मौसम हो तो उसमें मोर्टेलिटी भी अच्छा हो जाता है, तो ब्रूडिंग में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, ब्रूडिंग में अगर ठंड के मौसम में आपके पास है और उसका ब्रूडिंग कर रहे हैं आप, तो आपको उसके लिए टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे मुर्गियों के लिए, जो देसी मुर्गी हो या फिर असील हो, ये सब को आप 35 से 40 डिग्री के टेम्परेचर पे बहुत अच्छा से रह लेती है ये, इसको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं आती है। तो उस जगह पे आप जहाँ पे इसका ब्रूडिंग हाउस बनाएं उसको थोड़ा घेराबंदी करके उसको टेम्परेचर मेंटेन करने की कोशिश करें, जिससे कारण कि आपका मोर्टेलिटी रेट बहुत घट जाएगा। एक दो मोर्टेलिटी रेट आएगी तो वो मैंने नहीं रखता है आपके पास, स्ट्रेस वगैरह के कारण भी हो जाता है जी, तो मैंने नहीं रखता, लेकिन फिर भी आप उसमें बहुत हद तक सक्सेसफुल रहिएगा, मोर्टेलिटी ना के बराबर होगी। और उसका टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत आवश्यक है इसमें, को 35 से 40 के डिग्री सेल्सियस के बीच में आप इसको रखिए तो बहुत सही है। आनंद जी, अब बात करते हैं इसके फीडिंग के बारे में। सबसे पहले जैसे लाते हैं तो कैसे कैसे क्या क्या इसका फीडिंग कैसे करवाते हैं, उसके बारे में आप थोड़ा सा जानकारी दीजिए। देखिए, फीडिंग में इसका एक मार्केट में आता है एक प्री स्टार्टर फीड है, उस फीड को आप यूज़ कर सकते हैं। वो 15 दिन तक 20 दिन तक आप उस फीड को अच्छा से खिलाएं, ये जब थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो ये अपने आप दाना आप इसका चेंज कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में हम लोग रिस्क ना लेते हुए प्री स्टार्टर जो एक कंपनी चला रही है उसी को हम लोग चलाते हैं, जिसमें कि कारण आपको बहुत सारे इसका पोटेंशियल चीज़ मिल जाता है, प्रोटीन कैल्शियम जो भी चाहिए उसको उसमें सफिशियंट अमाउंट में रहता है, इसलिए हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। उसके शरीर के लिए जितना भी न्यूट्रिएंट जो वैल्यू होता है वो मिलता है प्री स्टार्टर में। जी बिल्कुल, उसमें सारा चीज़ को ये कवर कर लेता है, मार्केट में इजीली अवेलेबल भी है वो, तो हम लोग उसी को खरीद करके इसको खिलाते हैं, साथ साथ में ग्रोथ भी उसका अच्छा होता है। ये कितने दिनों में लगभग 900 ग्राम 1 किलो साइज का आ जाता है, जैसे आपका जो देसी मुर्गी में RIR हो गया फिर असील हो गया, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। RIR का ग्रोथ थोड़ा ज़्यादा है, RIR आपको 3.5 से 4 महीने में 1 किलो से ऊपर का हो जाएगा वो, लेकिन जो अपना देसी मुर्गा मुर्गी होता है इसमें है कि 6 महीना में इसको लोग तैयार कह लेते हैं। 6 महीना में अगर मुर्गी हुई तो वो अंडा देने की कैपेसिटी में अपना स्टार्ट कर लेती है, 5.5 से 6 महीने के अंदर में वो अंडा देना शुरू कर देती है। और जो मुर्गा होता है वो 6 महीने में आपको 1 किलो 1.25 किलो तक चला जाएगा वो, और देसी मुर्गा का वेट मैक्सिमम आप 1.5 किलो तक ले जा सकते हैं। 1.5 किलो के बाद देसी मुर्गा का थोड़ा स्टॉपेज हो जाता है, तो 1.5 किलो तक ले जाने के साथ साथ में है कि उतने ही दिन में जी। आप उसको फीड पे, आपको अगर बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग पड़ रहा है तो उसको नहीं करते हुए आप इसको खुला भी छोड़ सकते हैं, जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल फीड होगा ये खुद ही चुनकर खा लेगा, तो आपको इसके फीडिंग पे ज़्यादा कॉस्ट नहीं पड़ेगी उसके बाद। लेकिन 6 महीना इसको टाइम लगता है अपने पूरे एडल्ट हो जाने में, और उसी के बाद आप इसको मार्केटिंग कर सकते हैं। आनंद जी, अभी जैसे देख रहे हैं हम कि आप बहुत सारा अंडा भी अभी देखने को मिल रहा है, तो क्या आप चूजा वगैरह खुद से तैयार करते हैं या कि अंडे का सेल करते हैं? देखिए, हम अंडे से इसको हैच करवा लेते हैं, जिससे कान की मेरा इससे चिक्स भी वापस आ जाता है, और कुछ कुछ अंडा जिन भाई बंधुओं को चाहिए होता है वो ले भी जाते हैं, तो उसका दोनों का सेल हो जाता है मेरा। अंडे मैं 10 दिन के अंदर ही इसको हैचरी में दे देता हूँ, ताकि जिसके कारण कि इसका मुझे चिक्स मिल पाए, हैचेबिलिटी जो भी आए वो मेरी रहती है, लेकिन इसका चिक्स मुझे उपलब्ध हो जाता है, उस चिक्स को वापस मैंने वही प्रोसेस रिपीट करते हुए इसको बड़ा कर लेता हूँ। बड़ा कर लेने के साथ साथ ही है कि आपको मार्केट में रेट अच्छा मिल जाएगा। इस तरह से एक चेन बना हुआ है, क्योंकि मुर्गी है तो वो अंडा कंटिन्यू देती है, 12 से लेकर के 20 दिन तक वो कंटिन्यू अंडा देगी, फिर 1 हफ्ता तक वो स्टॉप कर लेती है। जो अंडा दिया है मुर्गी ने उस अंडे को वो खोजती है, उस टाइम वो ग्रुप कहलाती है। अच्छा, तो उस टाइम पे वो कि वो अंडे को खोजती है, अगर आप उस अंडे को बैठा दीजिएगा मुर्गी को,
तो मुर्गी तो सेवने लग जाएगी, तो फिर वो अंडा देना बंद कर देगी, दाना पानी भी उसका गिर जाता है क्योंकि वो अंडा सेकते रह जाती है, खाना पीना भी छोड़ देती है मुर्गी। इसके कारण देखा गया कि मुर्गी थोड़ा सा कमज़ोर हो जाती है, तो हम लोग उसको बैठा करके नहीं, उसको हैचरी में दे देते हैं। इसके कारण है कि मुर्गी जो है वो 4-5 दिन तक आपको अंडा खोजती है, उसको नहीं मिलता है, तो वापस से वो खाने पीने पर ध्यान दे करके फिर से अंडा देना शुरू कर देती है, और उतने ही दिन में आपका मशीन से अंडा से चूजा निकल के आपके पास आ जाएगा। तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल है, लेकिन जिनके पास मशीन की उपलब्धता नहीं है वो मुर्गी भी बैठा सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती है। आनंद जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि जैसे बहुत सारे हमारे भाई ऐसे हैं जो कोरोना में बेरोजगार हो गए हैं या एनिमल हस्बेंड्री में आना चाहते हैं और पालन करना चाहते हैं, तो उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, साथ में कैसे हम किसी भी चीज़ के पालन को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, कोई भी चीज़ को आपको प्रॉफिट में अगर कन्वर्ट करना है तो आपको उसको सिस्टमेटिक वे में चलना पड़ेगा। देखिए, बहुत ज़्यादा से स्टार्ट कर लीजिएगा, मान लीजिए कुछ बीमारी आ गई कोई, तो बहुत ज़्यादा नुकसान होने का भी डर रहता है, तो मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि कम से आप स्टार्ट कीजिए। जब मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया था, 12 मुर्गी लाया था और 3 मुर्गा लाया था मैंने, उसी से स्टार्ट किया, अभी मेरे पास इसकी कैपेसिटी बढ़ के बहुत हो गई, काफ़ी संख्या जी। तो उसी तरह से आप भी स्टार्ट करते, थोड़ा सा टाइम लगता है, आप साथ साथ में उसके साथ साथ सीखते भी हैं, बिल्कुल, तो दोनों चीज़ हो जाता है साथ साथ में। 6 महीने का टाइम लगेगा आपको, लेकिन 6 महीने के बाद आपके पास एक अच्छा बल्क बना हुआ रहेगा। हमारे यहाँ बिहार में सर्दी गर्मी बरसात सब चीज़ आता है, आप भी एक बार इनके साथ देख लीजिए तो आपको ही पता चल जाएगा इनके साथ साथ क्या क्या प्रॉब्लम होता है। प्रैक्टिकल अनुभव मिल जाता है, प्रैक्टिकल अनुभव मिल जाता है, साथ साथ में आप एक्सपीरियंस होल्डर हैं, तो आप उस टाइम आप 10 से स्टार्ट किए, आप 100 कैपेसिटी में इजिली संभाल सकते हैं। तो उसी तरह से हम लोग इसका बेनिफिशियल लेते हैं, एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, क्योंकि आपको तकनीकी जानकारी होना चाहिए, साथ साथ अनुभव भी होना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। जी धन्यवाद। दोस्तों, ये थे आनंद जी, महज इनकी उम्र जो है दोस्तों 21-22 वर्ष हो रही है और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। कि अगर हम बात करें तो चीज़ों को जो है वो इंटीग्रेटेड रूप ये दिए हैं और इसी के तहत ये पालन कर रहे हैं, धीरे धीरे अनुभव भी ले रहे हैं और एक अनुभव के आधार पे एक प्रॉफिट भी अभी अच्छा अर्न कर रहे हैं। दोस्तों, अगर मेरे से कोई सवाल पूछने से रह गया हो या आपके पास डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आनंद जी का नंबर रहेगा, आप इनसे परामर्श ले सकते हैं, सहयोग ले सकते हैं, किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो आप सर से बात करके जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, आशा है ये वीडियो आप लोग को काफ़ी पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।